हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मेरा नाम द्वारिका नाथ है। सारे गांव के सामने उसने मेरा अपमान किया है। मैं उसे जंगल में जिंदा काट दूंगा, जिंदा। जंगल में एक तेजस्वी युवक आया है। वो कहां से आया है देवा? जो नीम के पेड़ के नीचे बैठता है। नीचे कुल्हाड़ी मारो, सब जान जाओगे। खंडोबा के उत्सव में देवा की आज्ञा हुई है, हमें इस पेड़ के नीचे खोद कर देखना है कि यहाँ क्या है। जिसे ढूंढने आए हो वो सब जगह है, वो यहाँ भी है, वो वहाँ भी है, ऊपर भी वही है और नीचे भी। उनका स्थान के ऊपर ही प्रकट होने का मतलब है वो तब पूरा होने के बाद ही जमीन में से ऊपर आए हैं। नहीं मालसपति, ये मेरे गुरुदेव की समाधि का स्थान है। वाह प्रभु वाह, इतनी जल्दी सारे रहस्य खोल दिया आपने। जैसी आपकी इच्छा। ऐसा लगता है जैसे तू मेरी यशोदा मैया है। मुझे तो ऐसा लगता है तू तो मेरा छोटा सा कन्हैया है। रे लल्ला मैं हूँ तेरी जैसी।
मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? माँ, मैं जा रहा हूँ। मुझे जाना है माँ। जाना है कहाँ? ये तो मैं भी नहीं जानता, परंतु जा रहा हूँ। मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊँ माँ। नहीं नहीं, अरे देवा, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तुम्हें यही रहना होगा हमेशा हमेशा के लिए। हमेशा कुछ नहीं रहता माँ, इस संसार में कुछ भी स्थाई नहीं है, ना ये जन्म स्थाई है ना ये मृत्यु। ये आना जाना ही तो संसार की रीत है। नहीं, मैं रीति नहीं जानती। तुम मुझे कहीं छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। तुम नहीं जानते मेरे मन में तुम्हारे लिए कितनी ममता है। मेरा दिल चाहता है तुम हमेशा मेरे नजरों के सामने रहो, शायद इसलिए कि मेरा कोई बच्चा नहीं है ना, मेरा अपना कोई बच्चा नहीं है ना। माँ, मैं हूँ आपका बेटा, मैं आपका बेटा हूँ माँ। बेटा मानता है तो माँ को छोड़कर क्यों जा रहा है? मेरा जाना बहुत जरूरी है माँ, मैं वचन देता हूँ, मैं अवश्य वापस आऊंगा, अवश्य आऊंगा। अरे ये तो सचमुच आ रहा है। योगी, योगी रुको से, रुको से, वो जा रहा है। कौन? रुको से, कौन जा रहा है? योगी, 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 रुको से, रुको से, योगी, 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 रुको से,
रुको। अरे ये बाजा। योगी, योगी। ए बाजा। योगी। अरे कहाँ जा रही है बाजा? अरे रोको कोई उसे। बाजा रुक, बाजा। योगी, योगी, योगी। अरे बाजा रुक। बचा रहे हैं, योगी, बचा योगी, योगी। बाजा। मुझे छोड़कर चला गया बैजा। चला गया बैजा। ये तुम्हें क्या हो गया बैजा? मुझे छोड़कर चला गया बैजा। संभालो अपने आप को, संभालो। साचो तेरो ना मैं गया नहीं हूं माँ, मैं अवश्य वापस आऊंगा। हमारा दुर्भाग्य, भगवान हमारे बीच थे लेकिन हमने उन्हें नहीं पहचाना। मूर्ख था वो, मूर्ख। कच्ची उम्र थी उसकी और तजुर्बा भी नहीं था, वरना एक बार गांव वालों का विश्वास जीतने के बाद भला कोई भागता है? जीवन में बस एक बार, बस एक बार विश्वास कमाओ और जिंदगी भर उसकी कमाई खाओ। उसे धंधा करना नहीं आता था भगवान। अब हमें आसपास के सभी गांव पर अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। कोई ना कोई चमत्कार दिखाकर सबका विश्वास जीतना होगा, ताकि अगर वो कभी वापस भी आए तो उसके पांव न टिक सके। वो वापस आएगा ही नहीं, हम उसे वापस आने ही नहीं देंगे। मोह माया में हम संसारी लोग फंसते हैं। योगी तपस्वी नहीं, वो अपने आप को किसी बंधन में नहीं बांधते। भूल तेरी है, तूने इतनी ममता लुटा दी उस पर कि अब तुझे उसके जाने का इतना दुख हो रहा है। अरे देवा, मेरा भाग्य ही ऐसा है। भगवान ने मां बनने का गौरव ही नहीं दिया। कोक तो सुनी है जिसे बेटा मानकर प्यार किया, वो भी छोड़कर चला गया। हाँ
भाई सबाई मन को समझाओ। पाटिल ठीक कह रहे हैं, साधु सन्यासी कभी एक जगह नहीं रुकते। योगी को भी जाना था, चला गया, लेकिन वो वचन देकर गया है मुझे। वो आएगा, वापस आएगा। कब आएगा? कब? बालिशा, ये अचानक क्या हुआ? खाना ठीक से खाती नहीं, इसीलिए पेट में पित्त हो गई होगी। मैं कुलकर्णी वैद्य को बुलाकर लाता हूं। भगवान सब ठीक करेंगे भाईजा। राम राम राम। वो भगवान कहाँ है तुम्हारा पाटिल, जो तुम मेरे पास आए हो? भाईजा भाई को तकलीफ है, तो बोलो उससे, आवाज दे अपने योगी राज को, है बुलाकर लाए उसे यहाँ। वैद्य जी, ये वक्त तना मारने का नहीं है। भाईजा की तबीयत खराब है, आप मेरे साथ चलिए, उसे दवा की जरूरत है। हाँ, दवा की जरूरत है। अरे यही बात कैसे भूल जाते हो तुम लोग, हैं? हाँ। कि एक न एक दिन वैद्य की जरूरत सबको पड़ती है, और गांव में केवल मैं एक ही तो हूँ जो गांव के दुख और तकलीफ में काम आता हूँ। आता हूँ कि नहीं? उसमें कोई शक नहीं। हाँ। कोई शक नहीं वैद्य जी, आप कृपा करके मेरे साथ चलिए। अब बाईजा की हालत क्या होगी पता नहीं। चिंता मत करो पाटिल, चलते हैं चलते हैं। बाईजा भाई को कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुलकर्णी जो कहता है वो 16 आने सच होता है। हाँ। पाटिल, ये वैद्य कुलकर्णी अपनी वैद्य विद्या में किसी भगवान से कम नहीं, समझे हैं? बिरू। चलते हैं। चलो। वो अचानक उल्टी इतनी होने लगी कि मैं तो घबरा। अरे वहां क्यों खड़े हैं भाईजान? जाइए जाइए, इन्हीं पैरों से वापस जाइए और मिठाई वाले से मिठाई लेकर आइए। अरे सरपंच जी, खुद भी मुंह मीठा कीजिए और हमारा भी मुंह मीठा करवाइए, आप बाप बनने वाले हैं। हाँ। क्यों पाटिल, मैंने कहा था ना, बाजा भाई को कुछ नहीं होगा। अरे ये जो खुशखबरी तुम सुन रहे हो, ये मैंने पिछले साल दी हुई दवा का असर है। क्योंकि कुलकर्णी जो कहता है वो 16 आने सच होता है। झूठ क्यों कहते हो वैद्य जी, आपने तो पहले ही कहा था कि बाईजा माँ नहीं बन सकेगी। ये तो उस बाल योगी का आशीर्वाद है। सरपंच जी जाइए, पहले बाईजा के साथ मंदिर जाकर भगवान का धन्यवाद कीजिए और प्रसाद चढ़ाइए। राम राम राम। चलो। अरे अरे वैद्य जी,
होते पाटिल, बाजाबाई ने मुझे अपना सपना सुनाया था। मुझे लग रहा है वो सपना सच होगा, योगी वापस आएगा। अब शिरडी का उद्धार निश्चित है। लक्षा, वो नीम के पेड़ के नीचे जब योगी बैठता था तो अपने लिए कितना अच्छा था। अरे हाँ, गांव वाले उसके लिए क्या क्या लाते थे, केले, खिचड़ी, लड्डू, मिठाइयाँ, क्या क्या लाते थे। अरे वाह, ये पेटू को सब याद है। ये पेटू ही तो सब कुछ खाता था। ए गोटिया, तुम सब भी तो मेरे साथ खाते थे। बेचारा योगी तो कुछ खाता ही नहीं था। जब से वो योगी गया है मेरा वजन भी कितना घट गया, देख मेरा पेट भी कितना अंदर चला गया। अरे हाँ यार, इसका पेट तो सचमुच अंदर चला गया है। मेरी टोपी, अरे मेरी टोपी, अरे देना मेरी टोपी, मेरी टोपी देना, अरे मेरी टोपी, मेरी टोपी देना, अरे मत कर ऐसे, मेरा टोपी देना, देना मुझे वापस से मुझे, मेरी टोपी, अरे देना मेरी टोपी देना, अरे वापस देना हुआ। कहाँ भागे जा रहे हो? शेर पीछे लग गया क्या? क्या हुआ बच्चों? चमत्कार, चमत्कार हुआ पुजारी जी। चमत्कार? हाँ, अचानक रोशनी हुई, उसमें से साधु प्रकट हुए। क्या? आई शपत, आप जाकर देख लो, वो जंगल में ही है। हाँ, वो उधर ही है, चलिए चलिए। कहीं कहीं योगीराज तो फिर से प्रकट नहीं हो गए? चलिए चलकर देखते हैं। चलो देखते हैं। करुणा अवतार, आपके दर्शनार्थ आया था, लेकिन मेरी तपस्या शायद अभी अधूरी है, जो आपके दर्शन नहीं हुए। आप कहां हैं भगवान? पुजारी जी, वो देखिए। हाँ हाँ, वही है, वही है, हाँ वही है पुजारी जी। प्रणाम महात्मन। कल्याणमस्तु। आप जैसे सत्पुरुषों के आगमन से आज शिरडी धन्य हो गई। नहीं मालसपति, शिरडी तो उसी दिन धन्य हो गई थी जिस दिन इस नीम के पेड़ के नीचे भगवान का करुणा अवतार प्रकट हुआ था, किंतु अब शिरडी खाली है। ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर तो है, मंदिर में भगवान नहीं है। आप अवश्य कोई दिव्य विभूति हैं प्रभु, मुझ जैसे सामान्य इंसान को आपने। तुम सामान्य कैसे हो सकते हो वत्स? जिन्हें करुणावतार का सहवास मिला हो वो तो स्वयं पूजनीय हैं। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं। क्या रघुनाथ राव सोनार के इस बेटे मालसापति को आपकी पूजा और आतिथ्य करने का सौभाग्य प्राप्त होगा? मालसापति, तुम्हारा आतिथ्य अवश्य स्वीकार करूंगा, किंतु तुम करुणा अवतार इस पवित्र स्थान की पूजा करने आए हो, इसलिए पहले इसी स्थान की पूजा करो। जैसी आज्ञा महर्षि।
रुको 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 रुको, कौन आया है? कोई महर्षि है काकी। सुना है वो प्रकट हुए हैं? नहीं नहीं, मैंने उन्हें सूर्य से सीधा जंगल में उतरते देखा है। सूरज से उतरते? नहीं नहीं चाची, वो ऋषि हवा में से पैदा हो गया। गोडिया, वहाँ जंगल में जो पेड़ था वो अचानक गायब हो गया और एक ऋषि आ गया। अब कहाँ है वो ऋषि? पुजारी जी उन्हें अपने साथ खंडोबा मंदिर लेकर गए हैं। महर्षि, आपने इस खंडोबा मंदिर में आकर हमें अनुग्रहित किया है। अनुग्रहित तो मैं हुआ हूं मालसपति, जो मुझे खंडोबा के दर्शन हुए। विराजिए ऋषिवर। महात्मन, हम सब आपका परिचय जानने को उत्सुक हैं। मैं महर्षि आदित्यनाथ और माता वैश्वी का पुत्र हूँ, अवलश। महर्षि अवलश, हम आपकी क्या सेवा करें? सेवा तो मैं उस करुणा अवतार की करने आया था। महर्षि जी, आपने कैसे जाना कि शिरडी में भगवान के अवतार ही आए हैं? मैं पिछले 2000 वर्षों से हिमालय में तपस्या कर रहा हूं। तप करते समय मुझे संकेत मिलने लगे। मुझे दिखाई दिया कि आध्यात्मिक किरणों ने विश्व को घेर लिया है। मैं समझ गया कि मृत्यु लोक में मानव के दुख हटने का समय आ गया है। फिर महर्षि, एक दिन प्रातःकाल जब मैं सूर्य देव को अर्घ दे रहा था, कोई महान विभूति धरती पर उतर आई थी। संसार के कल्याण के लिए ईश्वर ने अपना अवतार धरती पर भेज दिया था। मन में बहुत लालसा हुई कि जाकर दर्शन करूं, किंतु उस समय मैं अनुष्ठान में था। जो आत्मा यहां पधारी है उसे मैंने देख लिया था, किंतु मैं अनुष्ठान बीच में छोड़कर नहीं आ सका। और जब अनुष्ठान पूरा करके यहां आया तो बहुत विलंब हो चुका था। जिसके लिए यहां आया वो यहां से जा चुका था, क्योंकि जो ऊर्जा मुझे हिमालय में मिल रही थी यहां आने के बाद नहीं मिली। जो तेज मुझे दिखाई दे रहा था यहां शिरडी आने के बाद कहीं दिखाई नहीं दिया। करुणा अवतार यहां से जा चुके थे। क्यों क्यों गए वो हमें छोड़कर? नहीं भाईजान, नहीं। पूछने दो मुझे महर्षि से। मैं जानना चाहती हूँ, क्यों मुझे जानने नहीं देते? पूछने दो। नहीं भाईजान, चलो चलो।
कुछ प्रश्न है मन में मालसपति? महर्षि, इतने महान आत्मा इस छोटे से शिरडी में? आप नहीं जानते मालसपति, सत्युग में ये जो प्रदेश है तपोभूमि हुआ करता था, साधुओं की, तपस्वियों की, गौतम जैसी बड़ी बड़ी पुण्यात्माओं की धरती थी। ये जो करुणा अवतार यहां प्रकट हुए हैं उसका भी कारण है। क्या कारण है महर्षि? जो उनके गुरु थे वो भी यही तपस्या करते थे। शिरडी में? हाँ, इसी स्थान में, वही स्थान जो आपने देखा भी है। कलयुग में भी ये धरती आज के तपस्वियों और साधकों को प्रिय है। तभी तो संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत तुकाराम और संत रामदास जैसी विभूतियों ने भी इस भूमि को अपनी कर्म भूमि बनाया। सत्य में ये प्रदेश इस देश का तपोवन है। आगे चलकर ये प्रदेश महाराष्ट्र कहलाएगा। हीरो, तेरी उम्र कितने साल की है? बैदी, मेरी उम्र तो पता नहीं, मेरे तोते भाई की उम्र 14 साल की है। तुझे नहीं पता है? इस गांव में एक ऋषि आकाश से उतर के आया है, उसकी उम्र 2000 साल है। आपने ठीक तरह से सुना नहीं होगा, असल में उस ऋषि ने अपने पिछले 100 जन्मों की उम्र जोड़ के बता दी होगी। सरपंच से पूछो वैद्य जी, ये भी उस 2000 साल वाले ऋषि के दर्शन करके आ रहे हैं। कपड़े मुर्दिया, ये जो तेरी हाथ भर लंबी जबान कैसे कैंची की तरह चल रही है, एक ही झटके में काट कर तेरे हाथ में रख दूंगी। हाँ, और ये मेरा वैद्य, ये वैद्य भी उसे वापस नहीं लगा सकेगा। सांग उठाते। हाँ, अरे वैद्य जी, आपने क्या सब साधु संतों का उपहास करने का ठेका लेके रखा है? राम राम राम, सरपंच जी, आप हम पर क्यों नाराज हो रहे हैं? अरे हमने तो नहीं भेजा ना उसे, जिसे तुम अपना बेटा मानते हो। अरे वो बिना बोले यहाँ से चला गया, उसमें हमारा क्या दोष है? वैदी, वो योगी तो अवतार है, अवतार, करुणा अवतार। महर्षि अवलश का ये कहना है, जो 2000 साल से हिमालय में तपस्या कर रहे थे। कितने साल से? 2000 साल से। और कितनी दूर दृष्टि है उस महर्षि की, जो हिमालय की ऊंचाई से सीधा शिरडी में नजर गई उनकी। और एक हम हैं, जो यहाँ से हिमालय की चोटी तक नहीं देख सकते। इसीलिए तो वैद्य है आप, वैद्य। महर्षि नहीं है वैद्य। जाओ जाओ और सारे इलाके में ढिंडोरा पीट दो, करुणा अवतार आए हैं शिरडी में, आओ और ले लो उनसे करुणा। जय हो, जय हो। करुणा अवतार। कौन है ये महर्षि अवलश? वैदिक कुलकर्णी कह रहे थे प्रभु कि उनकी उम्र 2000 साल से ऊपर है। नाटक। आपकी उम्र तो उनसे ज्यादा होगी भगवान, आपको करुणावतार क्यों नहीं कहते? चुप रहो। जब वो लड़का शिरडी से गया तो मुझे लगा जैसे मेरी सारी चिंताएं खत्म हो गई, लेकिन नहीं। चिंता और चिता दोनों सगी बहने हैं। एक जिंदा जलाती है, दूसरी मरने के बाद। मजाक बंद करो तुम लोग, और पहले उस महर्षि अवलश का मुंह बंद करने का सोचो। अभी तो उस योगी को अवतार कह रहा है वो, बाद में भगवान बताएगा उसे। मुझे तो लगता है ये उस योगी लड़के की सोची समझी चाल है। कैसी चाल?
वो वापस शिरडी आने का सोच रहा होगा, इसलिए उसने पहले से ही अपने हक का माहौल बनाने के लिए इस अवलश ऋषि को भेजा है। ऐसा है तो लड़का बहुत चालाक है। अच्छी चाल चली है उसने, लेकिन पहले तो मैं उसे शिरडी में आने ही नहीं दूंगा। और किसी तरह वो शिरडी में आ भी गया तो यहां जमने नहीं दूंगा उसे। भगवान, एक काम करते हैं, कल पूरे राहता गांव को कीर्तन के लिए अपनी मठी में बुलाते हैं और मठी के पीछे से आसमान में रोशनी छोड़ देते हैं और शोर मचा देते हैं, राहता में करुणा अवतार हुआ है। क्या बात है मालसपति, तुम विचलित क्यों हो? खंडुआ के पास रहकर भी तुम्हारा मन भटक रहा है, क्यों? तुम तो बहुत भाग्यशाली हो मालसपति, ईश्वरी करुणा अवतार की कृपा हुई है तुम पर। महर्षि, मैं बहुत अभागा हूं महर्षि, करुणा अवतार का सामना भी हुआ, निकटता भी मिली, परंतु सत्य को नहीं पहचान पाया, न उनकी कोई सेवा की, नहीं पूछा। कहते हैं गुरु के बिना भगवान नहीं मिलते, मुझे गुरु का सहारा चाहिए, मुझे वो दिव्य आत्मा चाहिए जो मेरी उंगली पकड़कर मुझे इस भव सागर से पार लगा दे। महर्षि, मेरा मन कह रहा है आपका शिरडी में प्रकट होना केवल मेरे उद्धार के लिए हुआ है, मेरा मार्गदर्शन कीजिए महर्षि, मुझे इन चरणों में स्थान दे दीजिए, मुझे इन चरणों में स्थान दे दीजिए। मालसपति, तुम्हारा गुरु तो वही था जो चला गया, वही करुणा अवतार ही तुम्हारा गुरु है, तुम्हें किसी दूसरे गुरु की आवश्यकता ही नहीं है। किंतु वो तो शिरडी छोड़कर चले गए। व्यथित मत हो मालसपति, तुम्हारा अपने गुरु से पिछले कई जन्मों का नाता है, किंतु कई जन्मों से तुम पर उनकी कृपा नहीं हुई, किंतु अब मैं देख रहा हूं कि तुम पर गुरु कृपा होने का समय आ गया है। सच महर्षि। मालसापति, तुम्हें अपने गुरु का उपदेश भी मिला है, फिर भी तुम उस पर आचरण नहीं कर रहे। उपदेश मुझे कब? कब महर्षि? करुणा अवतार ने दो शब्द तुम तक पहुंचाए तो थे, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा रखिए और सबर कीजिए। हाँ महर्षि, परंतु मैं मूर्ख समझ नहीं पाया, खो दिया अवसर। अब महर्षि, क्या मुझे अपने गुरु की सेवा करने का अवसर अब कभी नहीं मिलेगा? मिलेगा मालसपति, जब तुम्हारे गुरु करुणा अवतार वापस शिरडी आएंगे तो तुम्हें सेवा का अवसर अवश्य मिलेगा। महर्षि, आपके अनुसार यदि वो करुणा अवतार हैं, सिद्ध आत्मा हैं, तो उन्हें किसी गुरु, शिक्षा अथवा तपस्या की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है मालसापति, क्योंकि करुणा सागर ने मानव शरीर जो धारण किया है, मानव शरीर की अपनी
सीमा एवं मर्यादा होती है, जिसका पालन हर युग में हर अवतार ने किया है। जैसे त्रेता युग में भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रहकर संपूर्ण शिक्षा प्राप्त की, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने 16 कलाओं से परिपूर्ण होने पर भी महामुनि सांदीपनि को अपना गुरु बनाया और उनके आश्रम में रहकर शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, तभी वो अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। महर्षि, आपके दिव्य वचनों को सुनकर मन प्रसन्न हुआ, परंतु आत्मा को शांति नहीं मिली, अपने करुणा अवतार से मिलने को बेचैन है। तुम्हारी बेचैनी को मैं समझ सकता हूँ मालसापति, तुम्हारे मन में अब भी ये शंका घर किए हुए है, यदि करुणा अवतार तुम्हें भूल गए तो। हाँ महर्षि, हाँ। नहीं मालसापति, रचनाकार अपनी रचना कभी नहीं भूलता, जब भी कोई दिव्य आत्मा या स्वयं ईश्वर संसार के कल्याण के लिए आते हैं तो उन्हें पंच तत्वों वाला शरीर, मिट्टी का चोला धारण करना पड़ता है। मानव शरीर वासनाओं से भरा है और शरीर एक बाधा है, एक दीवार है आत्मा और जीवात्मा के बीच। यदि शरीर मोह माया में बह गया तो दिव्यात्मा का संसार में आना व्यर्थ हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि माया के इस बहाव में अच्छी अच्छी सिद्ध आत्माएं भी बह जाती हैं, जैसे महर्षि विश्वामित्र बह गए थे। उस माया से बचने के लिए संसार के दुखों का, यातनाओं का उन पर कोई प्रभाव न पड़े, इस हेतु दिव्यात्माओं को अपने शरीर को तपाना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। तप के पश्चात उनका रूप कमल जैसा हो जाता है, पानी में रहकर संसार से वो अलग हो जाते हैं, तब वो परमहंस बन जाते हैं। कभी हजारों वर्षों में ऐसी विभूति संसार में आती है मालसापति, उन पर श्रद्धा रखिए, सबर कीजिए, तुम्हारे गुरु भी तप करने गए हैं, वो आएंगे, अवश्य आएंगे। क्या बात है भाईजा, आज सुबह से इतनी उखड़ी क्यों है? मंदिर से आते समय वैद्य कुलकर्णी और रगड़ू दगड़ू को भी डांट दिया तुमने, क्या बात है? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि महर्षि औलस ने तुम्हारे योगी को ईश्वरीय अवतार कहा है। आहो, मुझे ईश्वरीय अवतार नहीं, मेरा बेटा चाहिए। लेकिन भाईजा, आखिर वो तुम्हारे कोख से पैदा हुआ बेटा तो नहीं है जो तुम? अवतार कभी अपनी माँ के कोख से जन्म नहीं लेते, भी उनकी मां होती जैसे कि मैं। महर्षि ने उसे करुणा अवतार कहा। कैसा करुणा अवतारी है वो जो अपनी मां को करुणा नहीं दी उसने, चला गया छोड़। अरे देवा, चला गया। अरे भाईजा, वो आएगा, उसने वादा किया है तुमसे, वो जरूर आएगा। लेकिन
महर्षि अवलेश ने तो ऐसा नहीं कहा था। लेकिन तुमने पूछा था उनसे? अगर पूछती तो वो जरूर बताते कि कब हमारा बेटा लौटेगा। मैं पूछूंगी, जरूर पूछूंगी महर्षि से। हाँ हाँ जरूर पूछना, लेकिन अब सो जा। कल खंडोवा की आरती स्वयं महर्षि औलश कर रहे हैं, आरती के बाद पूछ लेना उनसे।